सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम मॉक टेस्ट नंबर सीखेंगे 39 होने वाला है ना, तो कुछ ऐसे प्रश्न आज मैंने आपके लिए लिखे हैं जिनको लगाने में काफ़ी सारे मित्रों को दिक्कत होती है, तो उन प्रश्नों को आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी हम प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो जय जो नए साथी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे जब पसंद आएगी, और फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करना है ना। पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करना, बहुत से हमारे साथी कह रहे थे कि सर एक बार पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करना बता दीजिए। तो हम चलो इस क्वेश्चन को सीखते हैं ना, इस क्वेश्चन को सीखते हैं, देखो जरा कैसे लगाएंगे। बात को समझना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो यह प्रश्न लिखा है 2x² - 7x + 3 = 0। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x² का गुणांक देखना है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या है सर, 2, तो ये 2 हो गया x² का गुणांक। इसके गुणांक से पूरे समीकरण में आपको भाग करना है, तो ये निकल कर आ जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसके गुणांक से सब में भाग करना, तो बटे दो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 हमारा ख़त्म हो गया, बच गया x² - 7/2x और +3/2 = मेरे भाई 2 = 0 बच गया। इतनी बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक कहाँ, जैसे आपने x² का गुणांक लिखा 2 था, वैसे आप x का गुणांक लिखोगे कितना है, 7/2 है। अब इस x के गुणांक में आपको 1/2 से गुना कराना, यानी आधे से गुना कराना है। 7/2 में आधे से गुना करा दिया तो निकल कर क्या आएगा, 7/4, और इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। फिर से समझो स्टेप, एक्स का गुणांक लिखा, उसमें आधे से गुणा कराएंगे, हमेशा ये फिक्स है, 1/2 से गुणा कराएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इस स्क्वायर को हम इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, तो पहले मेरी बात को समझना, x² - 7/2x + 3/2 उधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। अब ये जो 7/2 का होल स्क्वायर है, इधर भी जोड़ो इधर भी जोड़ो, यानी ये हो जाएगा x² - 7/2x, ये मैंने लिया तो इसको हम इधर भी ऐड करेंगे और उधर भी हम ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, हमारे समीकरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हो ना, तो ये इतना हो गया। अब देखो ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखो, जब माइनस लगा है तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। और ये होता क्या, a² - 2ab + b² जब माइनस लगा होगा तो माइनस का फार्मूला, जब प्लस लगा होगा तो प्लस का फार्मूला। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं x - 7/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, x - 7/4 का क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं। क्या आप हमारी बात समझे, और उधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 + 7² - 49 = 16 है ना। अब देखो ये निकल कर आएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या निकल कर आएगा, 8 से नीचे गुना कराओगे, 8 से ऊपर गुना कराओगे, 8 × 3 = 24, -24 + 49 = 16। तो अब इस स्टेप को आपको इधर समझना है ना। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर ले रहा हूँ। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर x - 7/4 का होल स्क्वायर फिर से लिखूँ, x - 7/4 का होल स्क्वायर फिर से लिख लिया, और इधर आपका क्या बचेगा,
49 से 24 जाएगा तो 25 बटे 16 बच जाएगा, ये बच गया सर 25 बटे 16। अब आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट। अब रूट से बाहर संख्या निकालेंगे तो x माइनस 7y4 बराबर प्लस माइनस का 5/4। याद रखना यहाँ प्लस माइनस का बचेगा, ना कि प्लस का ना कि माइनस का। इसका मतलब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो एक्स माइनस 7y4 अगर हम एक बार प्लस में ले रहे हैं तो 5/4 हो जाएगा, माइनस का 7/4 उधर जाएगा प्लस के 7/4, 5/4 प्लस के 7/4 हर बराबर हैं तो 7 5 12/4 हो जाएगा। 12/4 को काटोगे तो एक एक्स का मान 3 आ गया, एक एक्स का मान 3 आ गया। इस पहले आपने प्लस में लिया था ना, अब इस बार आप माइनस में ले लोगे तो फिर से लिखोगे पुनः आप लिखोगे क्या, एक्स माइनस के 7/4 बराबर प्लस में लिया इस बार माइनस में ले लेंगे, माइनस के 5/4, माइनस के 7/4 उधर प्लस कर जाएगा, तो माइनस के 5/4 प्लस के 7/4 भाई हर बराबर है, ऊपर 2 बचेगा नीचे 4, 2 से 2 काटेंगे तो एक मान आ जाएगा 1/2 और एक मान आ जाएगा 3। ये आपके प्रश्न का जवाब है, एक मान आ गया है 3, एक मान आ गया है 1/2, ये आपके प्रश्न का जवाब है। क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? बोलो भाई क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो? ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, फिर से बता दूँ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लो, सब में डिवाइड कर दो, फिर x का गुणांक लो, उसमें आधे से गुणा कराओ, उसके बाद उसका होल स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो और आंसर आपके सामने होगा। ओके ना मेरे भाई, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ज़रा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप दिमाग लगाओ, कैसे लगा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, कह दे तो मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है, मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा मेरी बात को समझना। आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ज़रा मैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। ये है 10^12 और प्लस में 25 का होल स्क्वायर माइनस 10^12 और माइनस 25 का क्या होता है होल स्क्वायर, ये यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, बराबर 10 की पावर n। इस n का मान बताना है कितना होगा, तो ज़रा मेरी बात को एक बार समझो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। समझो पहले चीज़ों को समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई। तो देखो आप यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab एज इट इज़ रहेगा, माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो जब आप देखो ये और ये विपरीत चिन्ह है ना, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या 4ab बचेगा, ये बचेगा 4ab। यानी जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिखा रहेगा तो इसके बराबर क्या होगा 4ab होगा, इसके बराबर क्या होगा 4ab होगा। क्या आप हमारी बात सहमत हो? इसको नोट कर लो, बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका घातांक में भी काम करता है और यही क्वेश्चन आपका किसमें बीजगणित में भी काम करता है। बोलो बात क्लियर? अब जहाँ पर आपका ये लिखा है वहाँ पर डायरेक्ट हम 4ab नहीं लिख सकते हैं, बोलो मेरे भाई डायरेक्ट मैं 4ab नहीं लिख सकता हूँ? अरे भाई कैसे, मैंने प्रूव करके बताया। अब मेरे भाई आप देखो, अगर मैं 4ab लिख सकता हूँ इसके बराबर अगर मैं 4ab लिख सकता हूँ तो ये वाला पद हमारा a होगा, ये वाला पद b होगा, ये a होगा ये b होगा, तो इसके डायरेक्ट बराबर भाई 4 × 10^12 और इंटू 25 नहीं हो जाएगा, 4ab ही तो होता है फार्मूला, और इसके बराबर क्या हो जाएगा 10^n हो जाएगा। बात तेरा समझे? तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 10^12 और मैं यहाँ पर 4 × 2^2 प्लस में 25 × 5^2 बराबर 10^n नहीं कह सकता हूँ,
अब आपका क्वेश्चन बन गया है भाई, इसको जो आपका ये 5 × 2 लिखा है, 10 की पावर 2, उसके बाद हम इनको 5 × 2 = 10, भाई 5 × 2, 5 × 2 की पावर 2 नहीं कह सकते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे तो भी यहाँ पर आप करोगे, ऐसे बात बन सकती है ना? बिल्कुल सर, ऐसा तो स्टेप हमने सीखा है। तो 10 की पावर n, 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 की पावर 12 × 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर n, बेस बराबर है ना, तो घाते जुड़ जाएंगी, 10 + 12 + 2 = n, क्योंकि बेस तो सारे सेम ही हैं, तो n बराबर कितना आएगा, 12 × 2 = 14 आपके प्रश्न का जवाब होगा। 14 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इस बात को आप समझे हो कि नहीं समझे हो, 12 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन शुरुआत के हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि ये मैं आपको करा देता हूँ। ठीक बात ना, बोलो क्लियर बात, समझ गए कि नहीं समझ गए, आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x + 1 = 0, तो x² + 1/x² की वैल्यू बताना है। कोई नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 3 है, x² माइनस के 2x + 1 = 0, तो आपको बताना है x² + 1/x² का मान। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत लोगों ने इस बार यूपी टेट का पेपर दिया होगा और अब आगे आपको सुपर टेट का पेपर देना है ना, जिन्होंने भी दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंसेप्ट अभी से मजबूत रखना है और सीधे आपको आंसर देना है। मैं यहाँ बेसिक भी बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे। आप देखो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो कहोगे सर हमको x² + 1/x² का मान बताना है, लेकिन यहाँ पर तो सर हमें दिया नहीं गया है मान, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर मान नहीं दिया गया ना, हमको इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाई, इसको अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो दिया गया है ना, इस इक्वेशन में आप x से भाग कर दो, आप इसमें x से भाग कर दो, ऐसा आपको करना है, मैं बता रहा हूँ। तो आप लिखोगे कि x² - 2x + 1 = 0 में x से भाग लगाने पर, ऐसा आप करोगे, भाग लगाने पर है ना, अगर आप x से भाग लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, x² - 2x + 1/x = 0, ये x से ये x ख़त्म, एक x से एक एक ख़त्म, तो ये बचेगा x - 2 + 1/x = 0, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी ये x + 1/x = 2 बच गया। अब देखो, अगर x + 1/x = 2 है तो बस इसका मान पूछे है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो x² + 1/x² है ना, लिखो ऐसे x + 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या निकल कर आएगा, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x होगा, होगा ना भाई। देखो a² + b² + 2ab, एक्स से एक्स ख़त्म, इसका मान है 2, इसका मान है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर उस तरफ बचेगा x² + 1/x² + 2, तो 2 का स्क्वायर 4, उधर से 2 आ जाएगा माइनस में, 4 - 2 कितना आएगा 2 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, 2 क्या आएगा उत्तर, नोट कर लो फटाफट तरीके से, इसको शानदार तरीके से एक बार नोट कर लो, फिर हम अपने अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा, है ना, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न होगा, जरा इसको एक बार आप नोट करो भाई, जरा इसको एक बार नोट करो फटाफट शानदार तरीके से। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, कितना आ गया, 2 आ गया। आप चलो आगे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किस पर, 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसकी भी जरा भाषा को समझ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 20 को x प्लस 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 4 से। किसको डिवाइड करना है? 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 20, यही है ना? ओके सर, अब हमें हर हाल में इसको गायब करना है, तो सबसे पहले तो मैं 2 से गुना कराऊंगा तो 2x हो जाएगा। ठीक बात, x है x क्यूब लाना है, मतलब x स्क्वायर से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। 4 से भी गुना होगा, 4 दुनी 8, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ये माइनस कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो ख़त्म हो गया। 8x 5x तो माइनस के 3x माइनस के 7x प्लस के 20 हो जाएगा। ठीक बात ना, अब देखो यहाँ प्लस से हमको माइनस में लाना है, माइनस के 3x से इंटू कराना पड़ेगा, है ना? 3x स्क्वायर आएगा ना, तो 3x से इंटू कराएंगे तो माइनस के 3x एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का, और 4 तिया हो गया 12x। ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस हो गया, ये ख़त्म। 7x 12x, 7 5 12 होता है ना, ये 5x प्लस के 20 बच गया जी। अब क्या करेंगे, x है 5 से गुना करा दे बस, इन प्लस के 5, 5x का कराओगे 5x प्लस के 5 और के 20। भाई 5 का x से कराएंगे, 5x प्लस 4 पंचे 20, माइनस माइनस, तो सर ये तो पूरा पूरा ख़त्म। शेषफल 0, ये भागफल उत्तर है। शेषफल 0 और ये भागफल उत्तर है। और याद रखना, ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा भैया, ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरे सिलेबस में ना पूरा घुसा पड़ा है ये आपके सिलेबस में। बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा भाग, ये पूरा आपके ना कायदे से बैठा है पेपर में। ठीक बात ना, चलो आगे पहुँचे। प्रश्न संख्या नंबर किस पर? तो 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखो, पढ़ो क्या कह रहा है उसको लगाओ। प्रश्न संख्या 5 है कि 169,00 यानी 16,900 रुपयों को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। पूछा है ए का हिस्सा क्या होगा, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ ए, ए का हिस्सा पूछे है। तो मेरे भाई बात को समझना, सबसे पहले आप देखो टोटल राशि कितनी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो कुल रुपए कितने हैं, ज़रा आप हमें देखकर बताओगे। कहोगे सर 16,900 रुपए हैं कुल। 16,900 रुपए क्या है? कुल है। ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। ए का 2 गुना, तो ए का 2 गुना बराबर है किसके? बी के 3 गुने, बी के 3 गुने के, और बराबर है किसके? सी के 4 गुने के बराबर, तो सी के 4 गुने। ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के, बराबर है सी के 4 गुने के। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2a बराबर के 3b बराबर के 4c। अब ये अनुपात में आप निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालोगे? इसके बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से 2a बराबर भी 1 हो जाएगा, 3b बराबर भी 1 हो जाएगा, 4c बराबर भी 1 हो जाएगा। यानी a बराबर क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? a बराबर आपका 1/2 निकल कर आएगा, b बराबर 1/3 निकल कर आएगा, सी बराबर 1/4 निकल कर आएगा। 2, 3, 4 का लासा 12, ये मैंने कह दिया 12, ये हो गया 12। 4, 3, 12, 3, 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3, 4, 12, 4, 1, 4 हो गया। 2, 6, 12, 6, 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी ए बी सी का अनुपात कितना आया है? तो आप लिखोगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3। अब जब इनके हिस्से का अनुपात पता चल गया तो जो राशि होगी वो इन्हीं अनुपात में न बटेगी। अरे बोलो, जो राशि होगी वो इन्हीं अनुपात में बटेगी। क्लियर बात? तो कितना है टोटल राशि? 6, 4, 10, 3, 13। यानी टोटल यहाँ पर 13 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 169,00। यानी 13 किसके बराबर है? 169,00 के। तो एक बराबर क्या होगा? 13×13=39, 1300 रुपये के। अगर एक बराबर 1300 रुपये के, तो आपसे किसका हिस्सा पूछे है? ए का हिस्सा पूछे है। ए कितना है? 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6×1300, तो 13×6=78, 7800 रुपये क्या आएगा? जवाब आएगा 13×6=78,
7,800 रुपये आपका जवाब आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ए बी सी का अनुपात निकाल लिया, जो अनुपात हिस्से में है उसी हिस्से में तो इनकी राशि बटेगी। 4, 6, 4, 3, 6, 4, 10, 3, 13 की वैल्यू 13,16,169, 13 से 13 बार में 00 1300 और 13 6 7800 सही जवाब है। चलो अब हम पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या नंबर किस पर, तो 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुँचते हैं। जरा आप हमारी बात को समझ पाए हो कि नहीं एक बार कमेंट करके बताओ। आप हमारी बात को समझ पाए हो कि नहीं एक बार कमेंट करके बताओ भैया फटाफट तरीके से। ओके चलो अब देखो हम आगे की कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा ये समझो। ये कह रहा है किसी कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में क्या हो रहा है। 3 वर्षों में ब्याज जोड़कर क्या हो रहा है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर क्या बन जा रहा है। 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन कहा है दर बताओ। दर आपको बताना है, रेट क्या है वो आपको बताना है। चलो कोशिश करो लगाने की, रेट बताना है। बिल्कुल ही नॉर्मल सा नाजुक सा सवाल है। आप कैसे लगाओगे, कुछ मत करो। क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया नहीं गया है, डजन मैटर। आप इसको पकड़ो, 8 तो जो ये 3 सही 3/8 लिखा है इसको आप 8 3 24 3 27/8 कहोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर हमेशा अमाउंट या तो इंटरेस्ट होगा। अगर ब्याज में, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। यानी ये आपका मिश्र धन है भाई, ये मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। समय आपको क्वेश्चन में गिवेन है कितना है, 3 वर्ष है। तो क्या रेट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बराबर के पी 1 + rate/100 t। अमाउंट रखो मेरे भाई 7, प्रिंसिपल है 8, 1 + rate हमें नहीं पता है 100, पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक बात, 8 नीचे आ जाएगा तो 7/8 = 1 + r/100 t। अब कुछ ऐसी जुगाड़ भिराओ कि ये पावर 3 के रूप में इधर भी आ जाए। तो ऐसी जुगाड़ आप क्या भिरा सकते हो भाई, सोचो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि सर 27/8 को मैं 3/2 का क्यूब कह सकता हूँ, है ना। और बराबर इधर आ जाएगा 1 + r/100 t कितनी, तो 3, 3 से 3 ख़त्म, ये 1 + में इधर माइनस पे, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1 = r/100। 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 = r/100। 2 से काटा 5 बार, r = 50%। रेट कितनी आ गई सर, 50% करेक्ट जवाब है। 50% आपके क्वेश्चन का सही जवाब है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपके पिछले साल का पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, उसमें कोई देखिए मैंने जितना आपको पढ़ा दिया ना, इससे बाहर तो नहीं आएगा। बाकी अगर आप नहीं समझ पाए हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। इस टाइम जो भी टाइम आपका है वो तो पढ़ाई पे लगा दो, खैर इस टाइम तो थोड़ा बहुत काम भी ज़्यादा है सभी के पास, बट कोई नहीं, जब भी आपको टाइम मिले ना तब आप अपने यहाँ जो है वो मैथ को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, अगर आपको बैक निकालना है तो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 6 हो गया, 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, ये क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा, किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको दिया गया है। अंतर कितना दिया गया है, 86.40
86.40 हो तो पूछे हैं राशि क्या होगी, राशि बताओ, धन बताना है आपको, धन क्या होगा, वह धन बताना आपको क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप जरा अच्छे से पढ़ो, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ो। किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस 86.40 है तो राशि आपको बताना है। जब भी कभी राशि आपसे पूछे ना तो आप उसको 100 मानकर सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि हमारा प्रिंसिपल मैंने माना 100 रुपया है, ऐसा मैंने मान लिया कि 100 रुपया है, तो 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूँ भाई, 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, यानी प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट कितनी है हमारी 12%, टाइम है 2 वर्ष बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 24 रुपये आ जाएगा। वही बात कर लें अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पी 1+KR/100T। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल है 100, हो जाएगा 1+12/100 और पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। तो इसको काटेंगे 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 25 28 25 हो गया, कितना हो गया भाई 28/25 हो गया, बात समझे। अब देखो, अब यहाँ पर करेंगे हम तो ये निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 100 × 25 28 28/25 और ये फिर से निकला 28/25, 25 से काटेंगे 4 बार में तो ये 25 से कट गया 4 बार में। अब इधर समझो जरा बातों को, 28 का स्क्वायर तो 4 × 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 8 8 64 64 के 4 हासिल आ गया 6, 8 2 16, 16 2 32, 6 38 के 8 हासिल आ गया 3, 2 2 4 3 7, 784 और बटे कितना आ जाएगा आपका, बटे देखो 25 था तो ये 25 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो आप क्या करो, 4 से नीचे इंटू 4 से ऊपर भी इंटू करा दो, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 100 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, पहले ऊपर गुणा करा लें, 4 × 16 का 6 1, 4 8 32, 33 हासिल आया, 3 7 6 28, 29 30 31, 31 36/25। अगर 31 36/25 है, 25 को आप 100 बना लो तो 4 से नीचे गुणा कर दो, 4 से ऊपर गुणा कर दो, इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं भाई, क्यों किया मैं अभी रीज़न बताऊँगा। 6 × 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 × 4 = 12, 13 × 14 के 4 हासिल आ गया 1, 4 × 4 = 5 हो गया और 4 × 3 कितना हो गया 12। अब नीचे 25 × 100 बन गया ना, अब दशमलव आप ऊपर चिपका दो, दशमलव आप ऊपर चिपका दो 2 अंक पहले, तो ये कितना आ जाएगा 125.4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ जब भाग करोगे तो निकल कर आएगा 125.44। ये बढ़िया स्टेप होता है कि आप पॉइंट से बच सकते हो। तो ये निकल कर आया है अमाउंट, तो मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा तो आप कहोगे a-p, यानी 125.44 - 100 तो कितना आ जाएगा 25.44। ये 2 साल का क्या आ गया है आपका, 2 साल का मेरे भाई आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 साल का है साधारण ब्याज, इनका अंतर कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 25.44 - 24 ये बराबर होगा 86.40 के। तो आप मेरे भाई देखो 25 24 1 25, 1.44 बराबर होगा 86.40 के, ठीक बात ना। तो एक बराबर निकाल लो, एक बराबर आ जाएगा 86.40 और बटे में क्या आ जाएगा 1.44 इंटू के क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 100 हमने क्या माना था, मूलधन माना था, तो 100 हमने क्या माना था, मूलधन माना था, 14 × 6 = 84, 4 × 6 = 24, हाँ ठीक है। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये देखो 6 बार में टोटल चला जाएगा, 60 बार में, ये 60 बार में चला जाएगा, 60 का 100 से गुणा कराओगे तो 6000 आपका राइट आंसर आएगा। देखो भाई 14 × 6 = 84 और 4 × 6 = 24, 840 और 24 860 हो गया, 0 ये है तो 0 बार में, यानी ये पूरा 60 टाइम्स में चला जाएगा, 60 × 100 6000 आपका सही जवाब आ जाएगा, 6000 आपका सही जवाब आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई, बोलो भैया बात समझ में आई है कि नहीं आई है।
ठीक है ना। देखिए ये कैलकुलेशन डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, जितना आप तगड़ी मेहनत करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो। चलो फिर आगे के प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न संख्या नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर आपके अब सारे प्रश्न बन रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयार हो चुके हैं पेपर को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ ताकि आप समझ पाओ। ये ऐसे करके एक सर्कल बना हुआ है, ये है इसका सेंटर। यहाँ पर एक जीवा है ए और बी, ये जीवा हो गई है, जिसकी टोटल लंबाई कितने दिए हैं 24 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लंबाई 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे हैं वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो वृत्त की त्रिज्या पूछे आपसे इस वृत्त, इस क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये अगर आप सेंटर ओ मान लो, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मतलब सर अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं ए ओ, तो ए ओ की लंबाई आपसे पूछे यही ना त्रिज्या हो जाएगी, यही। तो आप देखो हमेशा मैंने थ्योरम आपको पढ़ाई है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। अगर ये 24 है तो ये 24 है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, ये पॉइंट को मैं कुछ मान लूँ तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसका नाम अगर मैं D दे लेता हूँ, D, तो A O D में 12 12 हो गया ना। आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रंगल दिख रहा होगा, ये A O का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, O D स्क्वायर बराबर A D स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस एडी, एडी कितना है बोलो, एडी एडी 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऐड करोगे 9 एक 10 4 13, 9 एक 10 3 13 हो गया, और ये 4 4 8 एक 9 हो गया, 1 1 2 193 हो गया। ये आ गया ए ओ का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर बराबर 93, तो 100, तो ए ओ बराबर अंडर रूट 193। अब इसको सॉल्व कर लें या ना सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर मार दो अंडर रूट 193 आपका सही जवाब। अंडर रूट 193 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, 9 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 देखते हैं क्या है और ज़रा उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना भाई, आगे पहुँचे। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक वृत्त से मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसे है, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है। यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक बी और एक सी, ऐसे दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से पहले इस पर डाला गया है लंब, ये दिया गया है आपको 40 डिग्री, फिर यहीं से आपको यहाँ पर डाला गया है लंब, ये नाम है ए, ये नाम है ओ, है ना। अब आपसे पूछे ये पूरा ना इस कोपचे में मिला हुआ है भाई, अलग मत समझ लेना, यहाँ कोने में मिला हुआ है। आपसे पूछे है तो एंगल ए का मान क्या होगा, कोण ए का मान क्या होगा, मींस इस वाले कोण का मान आपसे पूछे हैं, इस वाले कोण का मान, इस वाले कोण का मान पूछे हैं। अब मेरे भाई एक बात को बताओ, आप इस वृत्त में त्रिज्याएं कितनी हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। ए ओ, ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, और वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, संगत भुजाएं। अगर संगत भुजाएं बराबर तो संगत कोण भी बराबर, तो हम इससे कह सकते हैं कि फिर कोण बी भी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि हम इसको क्या कहेंगे, ये संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण बराबर
बराबर होंगे, यानी ये कोण अगर 40 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना, ये दोनों कोण 40 हो गए, यानी 40 अंश यह भी हो गया और 40 अंश यह भी हो गया। अब यहाँ पर एक आपका त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, तो ज़रा देखो तो मैं नाम लिख रहा हूँ, त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता, यानी कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश। बी सी पता है 40 अंश प्लस के कोण ओ बराबर 180 अंश, 40 80 उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 80 अंश, यानी कोण ओ बराबर कितना आएगा, 100 अंश आ जाएगा, कोण ओ बराबर 100 अंश आ गया। मतलब ये कोण कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, आपसे ये कोण पूछा है। तो बस मेरे भाई, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दो गुना होता, तो जाहिर सी बात अगर ये दो गुना होता तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कोण एंगल ए बराबर क्या होगा, आप ऐसे लिख लो भाई, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ओ का आधा हो जाएगा, एंगल ओ का आधा हो जाएगा, एंगल ओ का आधा हो जाएगा, यानी ये एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 का आधा कर दोगे, दो से काटोगे 5 बार में, एंगल ए बराबर 50 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो कोण ए है वो कितना है, 50 डिग्री है, नोट कर सकते हो, कितना है, 50 डिग्री है, इसको नोट कर सकते हो। फिर लास्ट प्रश्न पे पहुँचेंगे और उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ तक की बात क्लियर, कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। चले पहुँचे लास्ट प्रश्न पे, देखिए जो ना समझ में आया करे उसको आप नोट कर लिया करो और फिर से उसको कोशिश किया करो, ऐसा थोड़ी नहीं है कि ना समझ में, ज़रूर समझ में आएगा ऐसा वाला, है ना। देखो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें भी क्या दिया गया है, एक आपको सर्कल दिया गया है, ऐसे एक आपको सर्कल दिया गया है, यहाँ पर आपके ना दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी, ये दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक बात। अब यहाँ पर आपका सेंटर ओ दिया गया है, ये सेंटर क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, उसके बाद आपको ये 50 डिग्री दिया गया है, ऊपर वाला ये है सी, ये आपको 50 डिग्री दिया गया है, और ये एंगल आपको वाई डिग्री दिया गया है, वाई डिग्री, ये एंगल वाई डिग्री दिया गया, ये 50 डिग्री दिया गया है, तो आपसे पूछे हैं वाई का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछे हैं कि वाई का मान क्या होगा। अब मेरे भाई आप बात को समझो, अगर जिन्होंने दिमाग से पढ़ा है ना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन में एज इट इज़ आपका चित्र बनकर नहीं आ सकता है, चित्र को उल्टा सीधा घुमा फिरा के बना सकते हैं, कैसे भी बनाएं, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लगा लोगे, वही चीज़ मैं बता रहा हूं, तो इस प्रश्न का जवाब काफ़ी लोग तो तुरंत दे देंगे जिन्होंने बढ़िया अच्छे से समझ रखा है, जिन्होंने कुछ लॉजिक लगाया वो भी आंसर दे देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा है वो समझ कर इसका जवाब कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हो आपका गलत आ रहा है, तो जब मैं कल इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो आप कहोगे यार अरे ये कैसे हो गया, आप यही शब्द कहोगे, अरे ये मतलब हमने देखा ही नहीं, ये तो हमारे सीधे दिमाग पे आंसर था, पेट में था, मुंह में नहीं आ रहा था, यही कहोगे आप। चलो खैर, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए एक बार आप बताना कमेंट करके। मिलेंगे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।